हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट विथ मनीषा। मैं मनीषा आज पटियाला पेन में पॉकेट डालना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हम लोग जो बेल्ट काटे थे वो बेल्ट का लंबाई है 9 इंच, चौड़ाई है 21.5 इंच। ये मेरा हिप सा हिप 34, उसका हाफ 17 इंच और 4 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं। और नीचे से हम लोग यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे इस बेल्ट का, और ऊपर से 1.5 इंच में हम लोग इसका बेल्ट के लिए मार्कर लेंगे। तो हम लोगों का टोटल यहाँ 7 इंच लंबा बेल्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर बॉर्डर की तरफ से एक साइड से स्टिच दे देंगे। ऐसे दोनों तरफ देंगे, उस साइड से भी देके ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग साइड से हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्टिच पर। चाप सिलाई भी एक डाल देंगे। अब हम लोग कि हम लोगों का बेल्ट तैयार है, इसमें अब हम लोग सेंटर पॉइंट डालेंगे। इसका सेंटर पॉइंट हम लोग कट करके ले लेंगे। ये हम लोग को पहले बाद में या फिर जो ज्वाइन करने में आसानी होगा। अब ये हम लोगों का पैंट का बेल्ट है। यहाँ हम लोग यहाँ से रिंच में और वहाँ से रिंच में से बेल्ट बनेगा, और नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, और टोटल हमारा 7 इंच बेल्ट के लिए है। अब यहाँ से हम लोग 2 इंच में पहले मार्क कर लेंगे। मार्क करके सीधा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम लोग 1 इंच नीचे मार्क करेंगे, और नीचे से भी हम लोग लगभग 1 इंच में मार्क करेंगे, मतलब 5 इंच हम लोग मार्क करके लेंगे। लेने के बाद इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बेल्ट हम लोग इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉकेट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिए हैं। मेरे पास कम था इसलिए थोड़ा स्टिच करके लिए हैं। इसको हम लोग लंबाई से 14 इंच, साइड से 8 इंच लिए हैं। तो अब इस ये बेल्ट के टुकड़े से एक टुकड़ा हम लोग पहले इसको फ्रंट साइड में रख के यहाँ पे बेल्ट इस तरह से अटैच होगा। थोड़ा सा नीचे में ये बेल्ट को रखना है, क्योंकि ये बेल्ट के नीचे दब के यहाँ पे दब जाना चाहिए स्टिच करने का टाइम। अब हम लोग जो 5 इंच मार्क किए थे, इस कपड़े में मार्क करके यहाँ पे सीधा लाइन खींच के हमें स्टिच कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब छोटा छोटा दो कार्ड दे देंगे। कुछ इस तरह से हुआ है। कट देने के बाद इस साइड को हम लोग पलट के इसको सेट कर लेंगे। यहाँ से अब लोग एक स्टिच दे देंगे। ये ऐसा बन के आया है। अब इसको हम लोग उल्टा करके उल्टा साइड में रख के यहाँ से थोड़ा सा कट दे देंगे। अब जो पॉकेट का दूसरा पीस था, इसको ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग एक के ऊपर एक रख के स्टिच देंगे। लेकिन ये उल्टा साइड में है ना, सीधे साइड में ही, ये ध्यान से देख के हम लोग स्टिच को देना। और इसको हम लोग पलट लेंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह से बन के आया है।
अब हम लोग उस साइड में जो और एक पीस है उसको इस पॉकेट का स्टिच का ऊपर रख के यहाँ से स्टिच डालना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, ये वाला स्टिच कपड़े का ऊपर जाता सिलाई नहीं उठे। यहाँ से स्टिच करते हुए हम लोग ये ऊपर साइड में स्टिच नहीं, उसका नीचे नीचे से उंगली से दबाते हुए स्टिच करना है, क्योंकि ये यहाँ से अगर स्टिच छूट गया तो ये पॉकेट खुलेगा नहीं। तो अच्छी तरह से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पे स्टिच दे देना है। स्टिच देने के बाद कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब यहाँ से हम लोग उस साइड से एक लंबा चीज चाप सिलाई दे देंगे। यहाँ से हम लोग लंबा चाप सिलाई दे देंगे। अब ये चाप सिलाई देते वक्त ऊपर से स्टिच देने के बाद यहाँ पॉकेट का दोनों साइड में जॉइंट जो एरिया है यहाँ पे स्टिच को हम लोग पक्का कर लेंगे। घुमाते हुए दोनों साइड से आगे पीछे स्टिच को पक्का कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग जब भी पैंट यूज करते रहेंगे बार बार हाथ इसके अंदर डालते रहेंगे तो ये इस जगह से स्टिच खुल जाने का बहुत चांसेस रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिलाई को पक्का कर लेना पड़ता है। कुछ इस तरह से ये लगभग बन के तैयार हो गया। ये हम लोगों का पॉकेट है। अब हम लोग इसका बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इसको बेल्ट को हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों ओर से स्टिच दे देंगे। सबसे पहले ये से हम लोग होल्ड करते हुए चार स्टिच डालना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो हम लोग पॉकेट का कपड़ा है इसको हम लोग बेल्ट का अंदर डालते हुए यहाँ पे स्टिच देना पड़ेगा। ये इसको अंदर बेल्ट का अंदर दबाते हुए स्टिच डालना पड़ेगा। इसका ऊपर साइड पॉकेट का ऊपर साइड भी सिक्योर हो गया। इस तरह से हम लोग चारों ओर स्टिच डालते हुए इसका बेल्ट बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग डबल सिलाई भी दे देंगे। लगभग हम लोगों का पैंट का बेल्ट तैयार हो गया है। आप लोग यहाँ इतना तक देखने हैं तो अच्छा लगा ही होगा शायद। तो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ सीखने को मिला है और आगे वो कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी का नोटिफिकेशन मिल अगर चाहिए तो बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहाँ ही तक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।